नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रीट में। आज मैं लेकर आपके सामने नूतन की सेल्फ स्टडी सीरीज के अंतर भौतिक विज्ञान प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र नूतन प्रकाशन। आपको बता दें ये है क्या चीज। आप जानते हैं जैसे नगीन प्रकाशन द्वारा नूतन की कुमार मित्तल की फिजिक्स की बुक आती है 12th की, जो काफी फेमस है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता, केवल उनका आंसर मिलता है। इस बुक में उनका सॉल्यूशन दिया गया है। तो कहने का मतलब है ये एक तरीके से गाइड हुई उस बुक की, जो नगीन प्रकाशन की कुमार मित्तल की बुक है उसकी ये गाइड हुई। यानी जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे, जो नहीं बन पा रहे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस बुक से उनका सॉल्यूशन इजिली देख सकते हैं। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो ये आपको 600 रुपये MRP देखने को मिलती है और लगभग 450 रुपये तक आपको देखने को मिलती है। ये मेरी कलाकारी है छोटी सी। बात कर लेते हैं इसके अंदर के नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको लगभग 1104 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। 1104 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो आपको कंटेंट की बात करें, तो कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले विषय सूची में प्रथम प्रश्न पत्र है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है। इसके बाद ये द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पार्ट है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको स्थित वैद्युत की, जिसमें कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, वैद्युत विभव, संधारित्र और परावैद्युत, वैद्युत चालन, किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, चल कुंडली धारामापी, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराओं में आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा देखने को मिलती है। और जो वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये था फर्स्ट पार्ट का कंटेंट। बात करें सेकंड पार्ट का, सेकंड वॉल्यूम की बात करें, प्रकाश की, मैं आपको प्रकाश का प्रावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवण के बाद आपको द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति में आपको क्या देखने को मिलता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगे, परमाणु तथा नाभिक में आपको परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, एक्स किरणें, नाभिक की संरचना, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय ऊर्जा। इकाई 4 में आपको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां देखने को मिलती है, जिसमें अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। अंक इलेक्ट्रॉन की, फिर संचार व्यवस्था में आपको संचार व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये दोनों वॉल्यूम का आपका कंटेंट होगा, क्या क्या इनमें आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न है चैप्टर का। वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर दिखाया गया है प्रथम प्रश्न पत्र, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स के अंदर ये बताई गई है। पहले चैप्टर की बात करें, अध्याय 1 कुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, पाठ्यक्रम जो आपके सिलेबस में यहाँ पर दर्शाया गया है, स्मरणीय बिंदु। ये चैप्टर का एक क्विक रिवीजन है, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। बहुत शॉर्ट में हेडिंग दर हेडिंग आपको यहाँ पर बताए गए हैं, समझाए गए हैं उनके फॉर्मूलाज, उनके डेफिनेशंस। जैसे यहाँ पर चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिनिश होते हैं, तब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और यूपी बोर्ड में कब कब पूछे गए हैं उनके सन भी इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनकी आंसर के उत्तरमाला आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपको अति लघु प्रश्न मिलते हैं देखने को, यहाँ पर आप किस किस सन में पूछे गए हैं वे भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन उनके आंसर और किस सन में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा और आगे चले तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर काफी बड़े बड़े डेरिवेशन, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, और किस किस सन में कितनी बार पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पर अतिरिक्त एडिशनल क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। एक्चुअली बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नंबर आता है आंकिक प्रश्न, जो आपकी कुमार मित्तल की बुक में अनसोल्व क्वेश्चन मिलते हैं, उन सभी के सोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आंकिक न्यूमेरिकल, इनके जो फॉर्मूलाज, जो यूनिट्स यहाँ पर यूज होने वाली है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर यूज होने वाली है, वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर इनके क्वेश्चन और इनके सोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस कवर किए गए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कुमार मित्तल की बुक के इसमें देखने को मिलते हैं। और यहां पर
एडिशनल जो न्यूमेरिकल है वो एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो पैटर्न बड़े कमाल का है, सबसे पहले जो चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन दिया गया है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, अति लघु, लघु, फिर दीर्घ क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर आपके आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, फिर एडिशनल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो पैटर्न है ये पूरी बुक में यूज किया गया है, सारे चैप्टर्स के अंदर कवर किए गए हैं। अब बात करते हैं इसमें रेटिंग की, तो इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा, काफी शानदार बुक है। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ते, केवल आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपका सक्सेस रेट हाई हो जाता है। फिजिक्स में आपके 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो। तो ये खुद में एक समाधान है, सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू इस बुक का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, ताकि आप किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार देख जरूर ले उसके अंदर आखिरकार है क्या, जिससे ना तो आपका मनी वेस्ट हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल के अंदर बुक रिव्यू की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे के सारे जो बुक रिव्यूज हमने डाले हुए हैं उनको जरूर चेकआउट कर लेना, कौन सी बुक आपके काम की है, और हर एक बुक कवर करेंगे, चाहे वो 9th से हो, 10th से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हो, यूपीएससी से हो, जितनी भी बुक्स है सारी कवर करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।